नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जगदीप धनखड़ होंगे देश के अगले उपराष्ट्रपति, विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्बा को हराया, टीएमसी सांसदों ने वोटिंग से बनाई दूरी। महाराष्ट्र के पत्रा चावल घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से ईडी की पूछताछ, राउत पहले से ही ईडी की रिमांड पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल पर अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने के मामले में अपना रूप बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इसके कारण उनकी सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का हुआ नुकसान। आपकी नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक को लेकर एक्शन में दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना, पूर्व आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण और उप आबकारी आयुक्त आनंद कुमार तिवारी सहित 11 अधिकारी निलंबित। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीपी किट पहनकर किया मतदान, कोरोना संक्रमित सिंघवी ने 4 बजे के बाद किया मतदान। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हिंसा का प्रमुख कारण बताते हुए हटा दिया गया था, 3 साल बीत जाने के बाद भी कश्मीर को नहीं मिली हिंसा से मुक्ति, हिंसा में कमी आई लेकिन मौतों का सिलसिला अभी पूरी तरह थमा नहीं। ताइवान ने कहा चीन का सैन्य अभ्यास स्वशासित द्वीप पर हमले की तरह प्रतीत होता है, चीन के कई युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों ने ताइवान जल डमरू मध्य की मध्य रेखा को पार किया है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा, मोदी की मुफ्त की रेवड़ी वाली टिप्पणी पर कहा कि सदन गरीब को 5 किलोग्राम राशन दिए जाने पर धन्यवाद की आकांक्षा रखता है। वहीं 5 साल में भ्रष्ट कारोबारियों का 10 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ हुआ। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने स्वीकारा कि पिछले साल कई उपयोगकर्ताओं के खातों की निजता उस समय जोखिम में पड़ गई थी जब उसके सॉफ्टवेयर में मौजूद खामी का दुर्भावना से भरे किसी शख्स ने फायदा उठाया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक में नहीं होंगे शामिल, राव ने कहा मैं विरोध के रूप में दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की अनुपयोगी बैठक का हिस्सा नहीं बनूंगा। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। गुजरात के जामनगर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं व्यापारियों और उद्योगपतियों को गुजरात के विकास में पार्टनर बनाने आया हूं। आपकी सरकार बनेगी तो आपको पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा, आदेश आप देंगे सरकार उसको लागू करेगी। भुजा इलाके में बीएसएफ ने जब्ती की 2 पाकिस्तानी नौका, पाकिस्तानी मछुआरे नाव छोड़कर भागे। भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत को तिरंगा देने का ऐलान करने वाली कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा की तलाश में कांग्रेस दफ्तर में पहुंची पुलिस, कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में नवनिर्वाचित महिला पंचायत पदाधिकारियों के स्थान पर उनके पति या पुरुष रिश्तेदारों ने ली पद की शपथ, मामला सामने आने के बाद अधिकारी निलंबित, मामले की जाँच के आदेश। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों को मैं सैल्यूट करता हूं, उन्होंने हरियाणा का नाम देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में रोशन किया है, हरियाणा के खिलाड़ी इतना दम रखते हैं कि वे सारे भारत के मेडल की भूख को पूरा कर सकते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम की ऑस्ट्रेलिया के हाथों विवादास्पद हार, भारतीय टीम की कोच यानिक शुपमैन ने कहा कि घड़ी की गलती के कारण उनकी खिलाड़ियों ने खो दी लय। भारतीय एथलीट प्रियंका गोस्वामी और अविनाश सावले ने राष्ट्रमंडल खेलों में जीते रजत पदक, प्रियंका ने 10,000 मीटर पैदल चाल में जबकि सावले ने पुरुषों की 3,000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में रजत पदक जीता, पैदल चाल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर प्रियंका ने रचा इतिहास। बजरंग पुनिया की मां ओम प्यारी ने कहा कि मेरे बेटे ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, हमें बेहद खुशी है कि उसने देश के लिए मेडल जीता, हम उसका अच्छे से स्वागत करेंगे। आलिया भट्ट की डार्लिंग्स घरेलू हिंसा का शिकार महिला की कहानी, गंभीर मुद्दे को कॉमिक पंच और हंसाने वाले डायलॉग्स के साथ किया गया पेश, उम्दा निर्देशन और कलाकारों की शानदार एक्टिंग से फिल्म बनी देखने लायक, वेब दुनिया ने लिए 3.25 स्टार। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय की रक्षाबंधन की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर, पर अक्षय का बयान कि कहा दोनों फिल्म सफल हो यही चाहता हूं। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।